अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन टू आर ऑनलाइन क्लासेस। दिस टाइम जो कि मैंने आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर सेलेक्ट किया है, दैट इज़ अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। ये सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बिकॉज वी बेसिकली कॉमनली यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस ऑन डेली बेसिस। तो आउटपुट डिवाइसेस की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देख रहे होते हैं लेकिन हमें उनका इतना आइडिया नहीं होता। तो दैट इज़ वाई आई हैव थॉट टू सेलेक्ट दिस चैप्टर, सो दैट कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका एक डिटेल में डिस्कशन भी हो जाए और हम लोग कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको समझ भी सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कितने टाइप्स की होती हैं। हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेज हैं वो कैसी हैं। उन डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेज में आगे LCD आउटपुट डिवाइसेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। प्रिंटिंग की जो कैपेबिलिटी हमारे पास आती है वो किस तरह अवेलेबल हो सकती है। प्रिंटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। देन हम लोगों ने देखना है कि प्रिंटर्स वर्क किस तरह करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरबड्स, ये डिवाइसेस कैसी होती हैं और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है इसके डिफरेंट डेटा प्रोजेक्टर्स, और देन आफ्टर दैट इन द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमारे फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए कैसी होती हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज एन आउटपुट। आउटपुट इज डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इन द यूजफुल फॉर्म। हमने पहले वीडियोज में और पहले लेक्चर्स में देखा कि हम अपने प्रोसेसर को कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वो इनपुट तीन तरह की होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनपुट के अंदर हम लोगों ने कोई किस वो ऑडियो इनपुट हो सकती है, वो डाटा इनपुट हो सकती है, वो इमेजेस की फॉर्म के अंदर हो सकती है, वो कोई भी इनपुट होती है। उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जा रही होती है। दैट प्रोसेसिंग शोज अप अ रिजल्ट, और वो जो रिजल्ट हमारे पास होता है दैट रिजल्ट इज़ बेसिकली एंड आउटपुट। अब वो रिज़ल्ट हमारे पास देखने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरबड्स होते हैं, डेटा प्रोजेक्टर्स होते हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं, फीडबैक गेम कंट्रोलर्स। आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको उस गेमिंग के ऊपर फीडबैक मिलता है। फीडबैक से मुराद वाइब्रेशन फील हो रही होती है। टेक्टाइल आउटपुट, इसको भी हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी आउटपुट्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। ऑब्वियसली डिस्प्ले डिवाइसेस को अगर मैं आपके साथ बुक में जाऊं तो बुक में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास मोनिटर्स आते हैं, हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ रहे होते हैं, हमारे पास मोनोक्रोम्स आ रहे होते हैं, जो कि मोनोक्रोम्स ऐसे हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं जिसमें ये वाले कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। देन हमारे पास ब्लैक एंड वाइट जो ग्रेश कलर के डिस्प्ले डिवाइसेस भी हमारे पास आ रही होती हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हमारे पास आ रहे होते हैं जिनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इन सारों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस, ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर की कोई भी आउटपुट आ रही है तो वो जो आउटपुट है हमारे पास वो आउटपुट हमारे लिए देखने के लिए हमारे पास कोई डिस्प्ले डिवाइस मौजूद होती है। वो डिस्प्ले मोनिटर भी है, वो LCD मोनिटर और वाइड स्क्रीन भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पास दो, एक एक्टिव मेट्रिक डिस्प्ले और एक पैसिव मेट्रिक डिस्प्ले आ जाता है। मैं एक्टिव मेट्रिक्स डिस्प्ले और पैसिव मेट्रिक डिस्प्ले को आप लोगों को साथ बुक से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बुक में ये जो था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम लोग बुक के अंदर से आपको इसकी डेफिनेशंस, देयर इट इज। LCD मोनिटर्स एंड स्क्रीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एन एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, जिनको हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स भी कह रहे होते हैं। सेपरेट अ ट्रांजिस्टर टू अप्लाई चेंज टू ईच लिक्विड क्रिस्टल सेल एट दिस डिस्प्ले हाई क्वालिटी। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जितने भी आपके पास कूलिंग पिक्सल्स क्रिस्टल पिक्सल्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनको इंडिविजुअली पावर प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनैलिटी को बेहतर किया जाता है। हाई एंड
कलर क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। न्यूअर टाइप ऑफ TFT टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक या OLED है, यानी कि दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स क्या कर रहे होते हैं, आपके जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल को सेपरेटली चार्ज किया जाता है, हर क्रिस्टल डिस्प्ले को, क्रिस्टल सेल को सेपरेटली चार्ज किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। सेम जो इसकी इम्प्रूव फॉर्म है उसको हम लोग ऑर्गेनिक LED कह रहे होते हैं, और जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, यूज फ्यूर ट्रांजिस्टर्स। वो फ्यूर ट्रांजिस्टर्स हमारे पास होते हैं और वो फ्यूर ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम लोग जो है वो फ्यूर ट्रांजिस्टर्स की मदद से बेसिकली हम लोग जो है वो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, द कलर ऑन द पैसिव मैट्रिक डिस्प्ले ऑफन इज नॉट यूज एज ब्राइट एज एक्टिव मैट्रिक्स। पैसिव में और एक्टिव में बेसिकली ये फ़र्क आ जाता है कि पैसिव के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं हम उनको चार्ज नहीं कर रहे होते, जबकि एक्टिव के अंदर तमाम के तमाम क्रिस्टल डिस्प्लेस को चार्ज नहीं कर रहे होते, जबकि एक्टिव के अंदर तमाम क्रिस्टल डिस्प्लेस को हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं। तो दैट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले एंड पैसिव मैट्रिक्स। दोबारा आसान अल्फाज में, TFT टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी। एक्टिव में जितने भी कूलिंग क्रिस्टल्स हैं जो डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रहे होते हैं तमाम को सेपरेटली चार्ज किया जाता है, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। पैसिव में तमाम को सेपरेटली चार्ज नहीं किया जाता बल्कि सिलेक्टिव को किया जाता है, और इसी वजह से जो हमारे पास बेटर क्वालिटी नहीं होती। अब आप ऑब्वियसली ये देखा जाएगा कि हम लोग क्यों लोअर क्वालिटी की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। ये आपके सामने बुक में लिखा हुआ है, द कलर ऑन द पैसिव मैट्रिक डिस्प्ले ऑफन इज नॉट एज ब्राइट एज एन एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, दैट इज वाई इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड यूटिलाइजेज लेस पावर। तो जिस जगह के ऊपर हम लोगों ने पैसे को बचाना है, पावर को बचाना है, तो हम पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, और जिन जगहों के ऊपर हम लोगों ने क्वालिटी को बेहतर रखना होता है वहां पर हम लोग एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस की क्वालिटी को देखने के लिए, जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, रेजोल्यूशन, रिस्पांस टाइम, ब्राइटनेस, डॉट पिच एंड कंट्रास्ट रेशियो। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या बताती है, रेजोल्यूशन ये बताती है कि आपके पास जो डिस्प्ले है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली कितना है। जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली जितने हमारा एरिया हमारे पास होता है उसमें जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने उसके अंदर पिक्सल ज़्यादा होंगे। अब पिक्सल्स बेसिकली क्या होते हैं, पिक्सल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले। ये पिक्सल्स मिलके, एक तरह से आप ये सोच लें कि एक एक छोटा छोटा एक एक सिंगल सिंगल डॉट्स हैं और ये मिलकर एक पूरा डिस्प्ले बना रहे होते हैं। तो उस एरिया के अंदर जितने पिक्सल ज़्यादा हैं, यानी कि हमारी रेजोल्यूशन के अंदर जितने पिक्सल ज़्यादा होते हैं उतना हमारा डिस्प्ले बेहतर होता है। अब बाकी आ जाए हम लोग बाकी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स इन अ डिस्प्ले, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पांस टाइम ऑफ एन LCD मॉनिटर और अ स्क्रीन इज द टाइम इन मिलीसेकंड दैट इट टेक्स टू टर्न ऑन अ पिक्सल और ऑफ। चैनल चेंज करते हैं, एक दफ़ा तमाम के तमाम पिक्सल्स हमारे टर्न ऑफ होते हैं और उसके बाद दोबारा टर्न ऑन होते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आप लोगों के पास घर में, एक ही घर के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइसेज अवेलेबल होंगी, किसी के अंदर चैनल चेंज करते हैं तो फ़ौरन चेंज होता है, कुछ में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो बेसिकली जो हमारा टाइम होता है वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कहला रहा होता है। देन ब्राइटनेस, ऑब्वियसली इसको निट में काउंट किया जा रहा होता है। आजकल आप मोबाइल फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस भी देखें तो उसमें बताया होता है कि इसकी ब्राइटनेस 480 निट्स है, 500 निट्स है, इसकी ब्राइटनेस 800 निट्स तक जा रही है मैक्सिमम। तो निट्स से मुराद बेसिकली क्या होता है, ये ब्राइटनेस मेजर करने का एक यूनिट है। ये इक्वलिटी होती है किसके, विजिबल लाइट इंटेंसिटी इक्वल टू 1 कंडेला
और कंडेला आपको पता है कि जो है वो विजिबल लाइट को इंटेंसिटी मेजरमेंट करने का जो यूनिट है, और ये देखा जा रहा होता है कि आपकी जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो कितने निट्स डिस्प्ले ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें से कितने कलर्स की लाइट्स बाहर को आ रही है। देन हमारे पास आ जाती है डॉट पिच। ये डिटेल्स क्योंकि स्लाइड्स के अंदर नहीं मैंशन थी, दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं आपको बुक से भी बता दूँ, सो दैट के बुक से आप लोगों को क्लियर हो सके। डॉट पिच समटाइम्स कॉल्ड द पिक्सल पिच इज़ द डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स बिटवीन पिक्सल्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइसेज। एक पिक्सल है, दूसरा पिक्सल है, बिल्कुल साथ साथ हैं, डॉट पिच कम से कम है, दूर होंगे डॉट पिच ज़्यादा हो जाएगी। जितने पिक्सल्स करीब होंगे ऑब्वियसली रेजोल्यूशन उतनी बेहतर होगी, तो ऑब्वियसली डॉट पिच बहुत मैटर कर रही होती है कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो एक दूसरे से कितने करीब हैं और दूर हैं। कंट्रास्ट रेशियो डिस्क्राइब द डिफरेंट इन लाइट इंटेंसिटी, एक सेकेंड में हाईलाइट भी कर दूँ, in light intensity between the bright white and darkest black that can be displayed on a LCD monitor. आपका LCD monitor आपका display device कितना bright show कर सकती है और कितना dark show कर सकती है, उस दौरान जो दरमियान में जो difference आ रहा होता है वो आपकी contrast ratio कहलाती है। और obviously जितनी contrast ratio हमारे पास ज़्यादा होगी उतनी हमारी जो है वो display device बेहतर perform करेगी। दिस वॉज द क्वालिटी टू चेक, दीज वर द यूनिट्स के अगर हमने LCD की क्वालिटी को देखना हो तो हम किस तरह देख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कि हमारी क्वालिटी को बेहतर, डिस्प्ले क्वालिटी को बेहतर बना लेते हैं, जिनको हम लोग ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं या GPU यूनिट्स भी कहलाते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ऑब्वियसली हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, अगर हम उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग बेहतर करवाना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अगर पिक्सल्स रेशो कम है मेरे डिस्प्ले की, मैं ज़्यादा बनवाना करवाना चाहता हूँ, पिक्सल प्रोसेसिंग ज़्यादा करवाना चाहता हूँ, डॉट पिच कम करवाना चाहता हूँ, कंट्रास्ट रेशो बेहतर करवाना चाहता हूँ, तो मुझे एक्सटर्नली कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो जो एक्सटर्नली मैं जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता हूँ उनमें से एक हमारे पास GPU कार्ड होता है, जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कार्ड कहला रहे होते हैं। ये हमारी एग्जिस्टिंग जो ग्राफिक्स की कैपेबिलिटीज होती हैं उनको इन्हांस कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं, 1GB का, 2GB का, 500MB का, इनके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स भी लगी होती हैं जो कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस के साथ जो प्रोसेसिंग होती है, कनेक्टिविटी होती है, उसको बेहतर कर रहे होते हैं। तो जैसे कि DVI पोर्ट है हमारे पास, इसके अलावा वो HDMI पोर्ट है, तो जो एक्स्ट्रा पोर्ट्स वगैरह भी अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ तो मैं इन ग्राफिक्स कार्ड्स के जरिए हासिल कर पा रहा होता हूँ। देन मेरे पास आ जाते हैं प्लाज्मा मोनीटर्स। प्लाज्मा मोनीटर्स नाम से ही पता लग रहा होता है कि इनके अंदर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और ये लार्ज मोनीटर्स होते थे। आज के हमारे जो मोनीटर्स हैं वो LEDs या LCDs या OLEDs, OLCDs हमारे पास मोनीटर्स हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास लार्जर साइज़ के लिए जो हम लोग मोनीटर्स यूज़ करते थे उनके अंदर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। और वो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या थी कि उसके अंदर अल्ट्रा वायलेंट रेज होती थी जिनकी वजह से डिस्प्ले के ऊपर इमेज क्रिएट किया जा रहा होता था, और उनकी मदद से जो है वो हम लोग डिस्प्ले क्रिएट कर रहे होते थे, उसको हम लोग बेसिकली प्लाज्मा कह रहे होते थे। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ये फ्रेजाइल बहुत थे, बहुत जल्दी टूट जाते थे, किसी एक जगह से धब्बा क्रिएट होना शुरू होता था और वो पूरे डिस्प्ले के अंदर, जिसे कहते हैं पिक्सल डेड हो जाना, तो उसके पिक्सल डेड होने शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा नहीं चली। देन हमारे पास टेलीविजन्स हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ के टेलीविजन्स कैसे हैं, डिजिटल टेलीविजन्स होते हैं, हम लोग TV स्क्रीन जिसे कहते हैं हम लोग डिस्प्ले के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अंदर ऑब्वियसली हमें कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कन्वर्टर्स हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी तो हमारे पास केबल आने लग गई है और केबल कनेक्शन के ज़रिए हम तमाम के तमाम डिजिटल कनेक्शन हासिल कर लेते हैं, डिजिटल सिग्नल्स देख लेते हैं, डिजिटल चैनल्स हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि HD चैनल्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको HDTV कहते हैं। लेकिन जब पास्ट के अंदर सिर्फ टेलीविजन होता था और उसके साथ एक एंटीना लगा दिया जाता था, और वो एंटीना क्या करता था, रिसीवर से रिसीव करता था, सिग्नल्स रिसीव करता था, वो जो सिग्नल्स होते थे वो हमारे एनालॉग सिग्नल थे, वो एंटीना के जरिए हमारे टेलीविजन में आते थे और वहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता था। वेरी एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ दिस
टेलीविजन टेलीविजन की तरह ही एक हमारे पास के थर्ड रे ट्यूब मोनिटर्स होते हैं, और आपको पता है कि थर्ड रे ट्यूब के अंदर क्या होता है कि थर्ड वेव्स मूव कर रही होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। मैं अगर आपको बुक में से ये दिखाऊँ, इसको हम लोग थर्ड रे ट्यूब कहते हैं। कि थर्ड रे ट्यूब के अंदर इनसाइड क्या होता है, इनसाइड द CRT इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स एंड बैक्स फॉरवर्ड्स ऑन द स्क्रीन। दिस कॉज द डॉट ऑन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन टू ग्लो विच प्रोड्यूसेज एन इमेज। तेजी से हमारा जो है वो फ्रंट एंड बैक हम लोग जा रहे होते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स जा रही होती है स्क्रीन से, वो टच करते हैं जिसकी वजह से डिस्प्ले हमारी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडे। कल हम नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे, प्रिंटर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मोनिटर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जूम की मीटिंग्स में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुझे ईमेल कर सकते हैं, चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो जिस तरह भी, और आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट एंड डू गिव मी द सजेशंस टू मेक द थिंग्स मोर। आई एम नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू पीपल। सो लेट्स सी हम इसको कितनी किस तरह और कितना बेहतर कितनी जल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।